हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलबीइंग। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर वेलोसिटी मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायोमॉलिक्यूल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिटेल डिस्कस अबाउट बायोमॉलिक्यूल। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप चैनल माय चैनल। सो प्लीज गो थ्रू व्हाट्सएप चैनल माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new and interesting video. So now we discuss about enzyme. So in this particular video, we detail discuss about enzyme up to cofactor in one shot. So I hope you really enjoy this video. So first we read for it in NCERT textbook. After that you will read each and every thing, but simple and easy word. So let's begin without wasting any time. Enzyme क्या होते हैं हम सभी जानते हैं. Enzyme का काम क्या होता है? Reaction के rate को बढ़ा देना है ना, उसके रेट को बढ़ा देना और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। ठीक है, आगे चल के आपको बताएंगे सारी की सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कैसे बनते हैं। तो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ऑफ प्रोटीन, मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो ऑल एंजाइम ऑफ प्रोटीन क्या हुआ, ऑल एंजाइम ऑफ प्रोटीन सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो क्या हैं, प्रोटीन हैं। बट क्या है, ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, मतलब सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, है ना। सारी की सारी प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम नहीं है, बट सारे के सारे एंजाइम क्या हैं, वो प्रोटीन हैं। और कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम के तरीके बिहेव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं, है ना। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ऑफ प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड, कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं डेड बिहेव लाइक एंजाइम, जो एंजाइम के लाइक बिहेव करते हैं, यानी उनके तरीके बिहेवियर शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसे न्यूक्लिक एसिड का नाम बताइए जो एंजाइम के तरीके बिहेव करता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाई ए लाइन डायग्राम, हम एंजाइम को लाइन डायग्राम के द्वारा डिपिक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन होती हैं, है ना, प्रोटीन होती हैं, उनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए, तो इनमें भी क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होंगे, और उन्हीं के तरीके इसमें क्रेविक्स और पॉकेट पाए जाएंगे, एक्टिव साइट्स पाई जाएंगी। जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक्टिव साइट पाई जाती हैं, उसी तरह यहाँ पे एंजाइम में भी एक्टिव साइट पाई जाएंगी जिसमें सब्सट्रेट आके बाइंड करेगा। सारी चीज़ें आपको बताते हैं हम। ठीक है, सो क्या हुआ, वन कैन डिपिक्ट एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम, हम एंजाइम को लाइन डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, एन एंजाइम लाइक ए प्रोटीन, है ना, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, जब प्रोटीन में हम देख रहे थे उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था वो लीनियर था, उसमें अमीनो एसिड ऐसे चैन के रूप में बाइंड हो रहे थे और वो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे थे, है ना। तो अमीनो एसिड सिक्वेंट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड मिलेंगे और वो प्रोटीन बना देंगे, है ना, लाइन डायग्राम में लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसका, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंजाइम का। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसमें प्रोटीन के तरीके एंजाइम में भी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। व्हेन यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब हम उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, कि यू विल नोटिस डेट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चैन फोल्ड अपॉन इट्सेल्फ, द चैन क्रिस क्रॉस इट्सेल्फ एंड हेंस मेनी क्रेविसेस और पॉकेटेड आर मेड। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था प्रोटीन का था वो लीनियर था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था वो हेलिकल था। ठीक है, और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का था ये और ज़्यादा कॉइल्ड हो गया था, जैसे वूलन बॉल ऊन का गुल्ला होता है उसकी तरीके से कॉइल्ड हो गया था टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसमें क्या था, एक्टिव साइट बन जा रही थी जिसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा था, है ना। इन्हीं को क्या बोला, क्रिविसेस बोला, ये क्रिस क्रॉस हो रहे थे, अपने आप एक दूसरे को काट रहे थे, ऐसे क्रिस क्रॉस हो रहे थे, तो इन्हीं को क्या बोला, मेनी क्रेविसेस, इनको क्रिविसेस बोला, और इन्हीं को क्या बोला, पॉकेट बोला, और इन्हीं को क्या बोला, एक्टिव साइड बोला। ठीक है, तीन चीज़ें बोली उनमें, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर जब वॉलिन वॉल के तरीके कॉइल्ड हो रही थी तो उसमें क्या क्रेविसेस बन रही थी, पॉकेट बन रही थी, है ना। तो इन पॉकेट को क्या बोला, वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइड,
तो इस पॉकेट को क्या बोला, एक्टिव साइड बोला, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और अपनी रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड कराएगा, ठीक है। इन एक्टिव साइड, एक्टिव साइड में क्या होता है, इन एक्टिव साइड ऑन इन एंजाइम इज ए क्रेविसेस और पॉकेट इन टू हिज सबस्ट्रेट फिट, यानी एक्टिव साइड जो होंगे एंजाइम में, एंजाइम की एक्टिव साइड जो होंगी क्रेविसेस बोलेंगे उनको, पॉकेट बोलेंगे, तो उन्हीं में क्या आके सबस्ट्रेट आके फिट होता है ना, सबस्ट्रेट एंजाइम से आके बाइंड करेगा। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइड्स कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट, और फिर क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो रिएक्शन को कैटलाइज करेगा हाई रेट में। एंजाइम का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एंजाइम कैटलाइज डिफर, एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो डिफर होते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वे, है ना। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारे वेज में, यानी मेनी वेज में, है ना। क्या डिफरेंट होता है उनमें, बट वन मेजर डिफरेंट, उनमें एक मेजर डिफरेंट होता है, एक मेजर डिफरेंट जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, वर्क इफेंसली एट हाई टेम्परेचर, वो अपना हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर अच्छा खासा वर्क करते रहते हैं, है ना। क्या करते रहते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो वर्क इफेंसली हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वो अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे, है ना। व्हाइल एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन जो होता है हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है ना। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाती है, वही बताया गया हमको। व्हाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। एवब 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो प्रोटीन जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, है ना, अगर वो एंजाइम जो आइसोलेट किए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, हाई टेम्परेचर पर रहते हैं यानी हॉट वेंट पर रहते हैं, हॉट वेंट मतलब जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, क्या होता है टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना माना जाता है। और इसमें जो होता है हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग, है ना, ऐसे जहाँ पे ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है, यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम निकाले जाएंगे वो कितना होते हैं, ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को हाई टेम्परेचर पर भी मेंटेन रखते हैं, है ना, आर स्टेबल रिटेन देयर कैटालिटिक पावर, है ना, अपनी कैटालिटिक पावर को ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, कंटेंट ये रहते हैं, उनकी कैटालिटिक पावर मेंटेन रहती है। अब 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया गया है यहाँ पे कि ये जो हॉट थर्मल इवेंट पे होते हैं और हॉट स्प्रिंग पे होते हैं, सल्फर स्प्रिंग पे होते हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो एंजाइम आइसोलेट किए जाते हैं हाई टेम्परेचर पर भी आपकी कैटालिटिक पावर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट, थर्मल स्टेबिलिटी दस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, थर्मल वर्ड होता है टेम्परेचर से, क्या वर्ड होता है इसमें, टेम्परेचर से थर्मल वर्ड हुआ, टेम्परेचर मतलब वो कितने टेम्परेचर पे अपने आप को स्टेबल बनाए रखे हुए हैं, है ना, एंजाइम कितने टेम्परेचर पे अपने आप को कैटालिटिक पावर को, अपनी कैटालिटिक पावर को मेंटेन किए रखे हुए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है ना, किसके लिए, क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम, एक एंजाइम की क्वालिटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि कहाँ से आइसोलेट किए जाते हैं, जो कि आइसोलेट किए जाते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, फिलिक का मतलब होता है लवर, है ना, थर्मल, थर्मोवर होता है टेम्परेचर से, थर्मवर होता है किसे, टेम्परेचर से, है ना, और फिलिक का मतलब होता है लवर, चाहने वाला, है ना, फिलिक का मतलब होता है लवर, है ना, जो टेम्परेचर को प्यार करे, टेम्परेचर को चाहे, तो वो क्या होगा, थर्मोफिलिक, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होगा, कैसा होगा, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होगा। कि केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन कैसे शो करते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे, है ना, क्या है, क्या देखेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, है ना, इसमें क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, है ना, हमने एंजाइम के बारे में तो समझ लिया एंजाइम क्या होते हैं, है ना, तो एंजाइम को समझने के लिए क्या है, लेट्स अर्थ फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन, और हमको क्या, एंजाइम को समझने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन को समझना
बहुत ज़रूरी है, है ना। क्या समझना जरूरी है? केमिकल रिएक्शन एंजाइम कैसे परफॉर्म करते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। केमिकल कंपाउंड अंडर गो टू टाइप चेंज, है ना। केमिकल कंपाउंड कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उसमें दो टाइप के चेंजेज होंगे, एक चेंजेज होगा फिजिकल चेंजेज और एक चेंजेज होगा केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज का मतलब उसकी फिजिक्स में चेंज होगा, फिजिक्स का मतलब उसकी भौतिक जो बाहर से दिख रहा है उसमें चेंज होगा। तो यानी इसमें क्या चेंज होगा, फिजिकल चेंजेज में आता है उसका शेप में चेंज होना और उसकी मैटर की स्टेट में चेंज होना, है ना। और केमिकल चेंजेज में क्या होता है, उसमें केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, नए बॉन्ड बनेंगे और पुराने बॉन्ड टूटेंगे। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। तो इसमें यही है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में टू टाइप के चेंजेज होते हैं। कितने टाइप के चेंजेस होते हैं? टू टाइप के चेंजेज होते हैं। एक चेंजेज क्या होता है, एक फिजिकल होता है, एक क्या होता है फिजिकल होता है। फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक यानी जो एक्सटर्नल चेंजेज हो, ठीक है। और एक क्या होता है फिजिकल चेंजेज में, यहाँ पे हमको क्या बताया गया, फिजिकल चेंज में बताया गया है सिंपली चेंज इज शेप, है ना, उसकी शेप में चेंज होगा और क्या होगा उसमें बॉन्ड कोई नहीं टूटेगा विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना। यानी फिजिकल चेंज में उसके शेप में चेंज होगा और उसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना, इसमें बॉन्ड नहीं टूटेगा। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये क्या है फिजिकल प्रोसेस है। एक और फिजिकल प्रोसेस हमको दिखाया गया है, इन अदर फिजिकल प्रोसेस इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, है ना। इन अदर फिजिकल प्रोसेस क्या दिखाया गया हमको कि उसकी फिजिकल प्रोसेस क्या है, इन अदर फिजिकल प्रोसेस क्या है, उसके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो, मतलब कोई चीज़ सॉलिड में है तो वो क्या बन जाए, सॉलिड में है वो बन जाए वाटर यानी लिक्विड में बन जाए। यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है, व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, आइस जो होती है, आइस क्या होती है, आइस जो होती है वो सॉलिड होती है, आइस क्या होती है सॉलिड होती है, और वाटर क्या होता है ये लिक्विड होता है, वाटर क्या होता है लिक्विड होता है। तो यहाँ सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो यानी इसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है ना, यानी सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड जा रही तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी, है ना। और इसका एक और एग्जांपल दिया गया हमको, व्हेन वाटर बिकम वेपर, है ना, जब वाटर, वाटर तो हो गया लिक्विड और वेपर हो गया गैस, ये क्या हो गया, ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, ये क्या हो गया लिक्विड। जब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो भी यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, है ना, यानी इसकी मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी क्या हुआ फिजिकल चेंजेज हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया गया है, दीज आल्सो फिजिकल प्रोसेस, ये भी क्या है फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन, है ना, जब बॉन्ड टूटते हैं क्या होते हैं, जब बॉन्ड टूटते हैं, व्हेन हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और नए बॉन्ड बनते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। नए बॉन्ड का बनना ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, है ना, परिवर्तन या चेंजमेंट, क्या हुआ चेंजमेंट, चेंजमेंट जब हो तब उसमें क्या, जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड जो होंगे वो बनेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ केमिकल प्रोसेस में आएगा, है ना, दस विल कॉल्ड केमिकल प्रोसेस, है ना। तो इसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, इसका हमको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में दिखाया गया है, यहाँ हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में दिखाया गया है। केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या है, बी ए ओ एच का होल टॉइस, बी ए ओ एच क्या होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, हम सभी जानते हैं बी ए ओ एच क्या होता है, बेरियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब किससे कराई गई, H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई तो क्या बना बेरियम सल्फेट बना, क्या बना यहाँ पे क्या बना BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना, ठीक है, बेरियम सल्फेट बना, ठीक है, बेरियम सल्फेट बना और दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रिलीज हो गए। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये कैसी रिएक्शन हुई, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेंगे, तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, है ना, और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यानी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होगी और उससे क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा, तो ये क्या है एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, क्या हुआ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हुई, कौन सी, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हुई और क्या बना ग्लूकोज बना, तो ये कैसी रिएक्शन हुई ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। ये याद रखेंगे, हमसे पूछ सकता है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा
बेरियम सल्फेट बनेगा और दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O के निकलेंगे। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अगर हमसे ये बोला जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराएंगे और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो ये हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ये बात याद रखेंगे, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन है ना, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, है ना। किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट डिफाइन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बनना है इतने टाइम में प्रोडक्ट कितना बनना है ना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट कितना बनना है, तब हम किसी चीज़ का भी रेट निकाल सकते हैं, है ना। रेट निकालने के लिए हमको यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, रेट इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी प्रोडक्ट फॉर्म कितना प्रोडक्ट बना, ऊपर क्या हुआ प्रोडक्ट कितना बना, अपर यूनिट टाइम यानी टाइम कितना लगा, है ना। इसके बेसिस पे हमको ये पता चल जाएगा रेट, किसी भी चीज़ का रेट निकालना है तो हम उसमें देख लेंगे टाइम कितना लगा और उसका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बना, है ना। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बचाएगा, रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, रेट को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी कब बोल सकते हैं, जब उसकी डायरेक्शन जो हो स्पेसिफाइड हो, मतलब हमको पता हो कि इस डायरेक्शन में ये एक रिएक्शन जा रही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है, है ना। तो उसमें हम क्या बोल देंगे कि इसका जो रेट है उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। रेट कैन बी आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर रेट को हम वेलोसिटी बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब हमें डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाइड हो, डायरेक्शन हमको पता हो, ठीक है। आगे क्या है, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, है ना। जो रेट होता है केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का, वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना, ये भी हो सकता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एक लिमिट तक बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, है ना। वो सारी की सारी चीज़ें आगे चल के मैं बताऊँगा, और उसके अलावा भी होते हैं अमंग अदर फैक्टर, टेम्परेचर के अलावा भी अदर फैक्टर होते हैं, पीएच भी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे चल के सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक जनरल रूल होता है, जनरल रूल क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक जनरल थम रूल, है ना, एक जनरल थम रूल होता है, क्या होता है, डेट रेट डबल हो सकता है या तो वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, रेट या दुगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट या तो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा, है ना। वो एक जनरल थम रूल है, क्या है, बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर, है ना, बाय एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी केमिकल और फिजिकल उसमें प्रोसेस में हम उसका रेट जो होता है थम रूल, क्या जनरल थम रूल क्या होता है कि अगर हम किसी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेट डबल भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है, ये थम रूल है, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, हाफ हो गया, ये केमिकल काइनेटिक्स में अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट केमिकल काइनेटिक्स में इसके रेट के बारे में से क्वेश्चन पूछते हैं थर्मल रूल से, ठीक है। बट यहाँ पे हमसे स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आएगा, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, ये राइट है रॉन्ग है, ऐसे पूछ सकता है किसी भी तरीके से। आगे देखते हैं, ठीक है। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन डेट अनकैटलाइज्ड वंस, इसका मतलब क्या हुआ, जो कैटलाइज रिएक्शन होती हैं जिसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करेगा, कैटलाइज रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करें, है ना, कैटलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उस कैटलिस्ट जिसमें पार्टिसिपेट करेगा उस रिएक्शन का रेट जो होगा वो हायर होगा, वास्टली हायर, है ना। वास्टली हायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा उसका रेट जो होगा हाई होगा, किसकी अपेक्षा में, जिसमें कोई कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा है ना। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो उस रिएक्शन का रेट जो होगा बहुत हाई होगा, और जिसमें कैटलिस्ट काम नहीं कर रहा है उस रिएक्शन का रेट बहुत कम होगा, ठीक है। ये हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व, जब हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, द रेट वुड बी वास्टली हायर देन सेम, है ना। रेट क्या होता है, जब हम किसी कैटलाइज रिएक्शन को देखते हैं तो उसका रेट जो होता है बहुत हायर होता है, वास्टली हायर देन सेम बट अनकैटलाइज रिएक्शन, वो अनकैटलाइज रिएक्शन से ज़्यादा होता है, बहुत वास्टली हायर होता है, ठीक है। हमको यहाँ एग्जांपल के तौर पे बताया गया, क्या बताया गया हमको एग्जाम्पल के तौर पर हमको ये CO2 दिया गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, और वाटर की रिएक्शन इससे करवाई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से हुई तो क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना,
क्या बना हमारा, कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड जो होता है क्या होता है, बीक एसिड होता है, याद रखेंगे ये कार्बोनिक एसिड होता है, ये बीक एसिड होता है, यानी ये कमजोर होता है, कमजोर एसिड होता है, ठीक है, ये कमजोर एसिड होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, ये जो इसकी कंसंट्रेशन होता है ना, हाई कंसंट्रेशन इन RBC, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है ये RBC में ज़्यादा होती है, और कुछ माइन्यूट कंसंट्रेशन इसकी किस में होती है, साइटोप्लाज्म में भी होती है, किस में होती है, साइटोप्लाज्म में भी इसकी कुछ माइन्यूट कंसंट्रेशन पाई जाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, ठीक है। याद रखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे काम कर रहा था, जब CO2 और वाटर की रिएक्शन हो रही थी तो कार्बोनिक एसिड बन रहा था, कार्बोनिक एसिड बनने में जो एंजाइम काम कर रहा था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, इसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है, तो इसकी हाई कंसंट्रेशन जो होती है RBC में होती है, और इसकी माइन्यूट कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में भी होती है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट सभी में पाया जाता है, यह हम सभी को पता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मेन एरेना होता है फॉर सेलुलर की एक्टिविटी के लिए, किसी भी सेल की एक्टिविटी के लिए साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है, हम सभी जानते हैं। आगे देखते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, है ना, जब एंजाइम अब्सेंस था, इन अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, जब एंजाइम अब्सेंट था तो इसमें रिएक्शन जो थी वो कैसी थी, बहुत स्लो थी, वेरी स्लो थी, है ना, विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बींग फॉर्म इन एन आवर, है ना। जब यहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो उसमें ये जो रिएक्शन हो रही थी इसके 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, कितने घंटे में, एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बन रहे थे, कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे एक घंटे में। बट क्या हुआ, जब हमने एंजाइम को यूज किया, हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम, ये जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को यूज किया, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे बताया गया प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, है ना, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है माइन्यूट कंसंट्रेशन में, और इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है RBC में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विथ अबाउट 600,000 मॉलिक्यूल बींग फॉर्म यूरी सेकंड, तो क्या हुआ, जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को यूज किया तो 600,000 मॉलिक्यूल प्रत्येक सेकंड बनने लगे, यूरी सेकंड यानी यहाँ पे 600,000 मॉलिक्यूल यूरी सेकंड बनने लगे, कितने, प्रत्येक सेकंड में 600,000 मॉलिक्यूल बनने लगे, ठीक है, 600,000 मॉलिक्यूल बनने लगे प्रत्येक सेकंड में, जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को यूज कर लिया। जब उसमें एंजाइम को यूज नहीं कर रहे थे तो 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में बन रहे थे, यहाँ 10 मिलियन टाइम इंक्रीज हो गया इसका, है ना, क्या हुआ, द एंजाइम हैज एक्सेलेटेड द रिएक्शन रेट बाई 10 मिलियन टाइम, है ना, तो एंजाइम ने क्या किया, इसके रेट को कितने 10 मिलियन टाइम इंक्रीज कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम इंक्रीज कर दिया, है ना। आगे देखते क्या है, द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि जो पावर होती है, शक्ति होती है एंजाइम में, इनक्रेडिबल इंक्रीज का मतलब होता है आश्चर्यजनक होती है, मतलब अनइमेजिनेबल होती है, इसकी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये एंजाइम क्या क्या कर सकता है, कितने रेट को बढ़ा सकता है ना, क्या होती है, अनइमेजिनेबल होती है कि हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है ना, एंजाइम में बहुत सारी पावर होती है कि यहाँ 10 मिलियन टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना, पहले कितने 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे एक घंटे में, फिर यूरी सेकंड 600,000 मॉलिक्यूल बनने लगे, अबाउट 10 मिलियन टाइम ये इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। आगे क्या है, देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम, यहाँ पे 1000 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटलाइज ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, यहाँ पे 1000 टाइप ऑफ जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे एक यूनिक केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन को, उनको एक स्पेसिफिक होगा कि ये एंजाइम इस कैटालिटिक रिएक्शन को और या मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ठीक है। आगे क्या, जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती हैं, ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ स्टेप इज कैटलाइज बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे, जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो वो सारी के सारे स्टेप एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा कैटलाइज किए जा रहे होंगे, है ना,
या तो सारे के सारे एंजाइम सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा कैटेलाइज किए जा रहे होंगे या तो फिर वो डिफरेंट एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज किए जा रहे होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, है ना। मल्टी स्टेप जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें प्रत्येक स्टेप में या तो सेम एंजाइम काम करेगा या डिफरेंट एंजाइम काम करेगा। अगर सेम एंजाइम काम करेगा तो मतलब वो सारे के सारे में सेम एंजाइम काम करेगा, अगर डिफरेंट एंजाइम काम करेगा तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग एंजाइम काम करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। हमको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है, हमको एग्जांपल के लिए बताया गया है ग्लूकोज से 2-pyruvic एसिड बनना है। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल का होता है, कितने कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का होता है। पायरूबिक एसिड जो होता है 3 कार्बन का होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनने हैं पायरूबिक एसिड के, तो 3 × 6 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, यानी कार्बन की बैलेंसी दोनों में सेम होगी, यानी 6 मॉलिक्यूल का हमारा ग्लूकोज, 6 कार्बन का ग्लूकोज और 2 कार्बन के मतलब 3 कार्बन के पायरूबिक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल बना तो वो 6 में बदल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कहाँ पे कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से 2-pyruvic एसिड कहाँ से कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का ये प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस का ये 10 स्टेप प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं, 10 स्टेप प्रोसेस होते हैं, यानी 10 स्टेप होते हैं इसमें यहाँ पे, और अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। तो यही यहाँ बताया गया था, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये हमको बताया गया है। यहाँ C6H12O6O2 फिर यहाँ पे 3C3H4O3H2O के मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे क्या है, इट एक्चुअली ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरूबिक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे हमको यही बताया गया है कि जो ग्लूकोज से पायरूबिक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को, है ना। तो ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे 10 स्टेप प्रोसेस होता है। कितने स्टेप प्रोसेस होता है, यहाँ पे 10 स्टेप प्रोसेस होता है, 10 स्टेप डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को, ठीक है। जब ग्लूकोज पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल साइकिल बोलते हैं, यूनिवर्सल साइकिल बोलते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस को यूनिवर्सल साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट सभी में पाया जाता है, क्योंकि सेल की एक्टिविटी के लिए मेन एरेना होता है, मेन मैदान होता है, वहीं पे सेल की एक्टिविटी कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल साइकिल बोला गया है। आगे क्या देखते हैं, व्हेन यू स्टडी रिस्पायरेशन इन चैप्टर 14, जब आप चैप्टर प्लांट रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, तो आप देखेंगे कि इन सारी की सारी रिएक्शन के बारे में आप वहाँ पे पढ़ेंगे। एट दिस स्टेट यू शुड नो, इस समय पे आपको क्या जानना जरूरी है, एट दिस स्टेट यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विट 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू द वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें अभी जानना ये जरूरी है कि यहाँ 1 या 2 रिएक्शन डिफरेंट मेटाबॉलिक क्या मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट कर रही हैं और क्या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बना रही हैं, है ना, ये इसका मतलब है, ठीक है। आगे क्या हुआ, इन अवर स्केलेटल मसल, हमारी स्केलेटल मसल कैसी मसल होती है, हमारी स्केलेटल मसल जो होती हैं वॉलंटरी मसल होती हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं। स्केलेटल मसल जैसे अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स, हम स्केलेटल मसल को अपनी जॉ की मसल को मूव कर रहे हैं, गर्दन को मूव कर रहे हैं, सारी की सारी स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, ठीक है। जिसको हम छू सकते हैं वो हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं, सीधा सा सिंपल फंडा यार, ठीक है। आगे क्या है, हमारी स्केलेटल मसल में अंडर एनरोबिक कंडीशन कब होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, तो हमारी क्या मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको बोलेंगे एनरोबिक कंडीशन, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट हो रही है, कम हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। एनरोबिक कंडीशन में हमारी मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है एनरोबिक कंडीशन में, क्या बनने लगता है हमारी मसल्स में, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में, यानी एरोबिक का मतलब हुआ यहाँ पे O2 प्रेजेंट है, O2 जब प्रेजेंट है तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, एरोबिक कंडीशन बोलेंगे। अब एरोबिक कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में क्या बनता है, पायरूबिक एसिड बनता है, और एनरोबिक कंडीशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब इन ईस्ट जो होता है, क्या ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, यानी एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, यानी एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, है ना। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, है ना, इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, है ना। तो यही पाथवे जो होता है, यानी एनरोबिक पाथवे होगा, है ना। फर्मेंटेशन कैसा होगा, एनरोबिक होगा,
एनएरोबिक होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एनएरोबिक कंडीशन में इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, तो यही सेम पाथवे क्या बना देता है, एथेनॉल का प्रोडक्शन कर देता है। एथेनॉल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, एथेनॉल मतलब एल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन, इस अतः हेंस का मतलब अतः, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, कंडीशन एरोबिक है एनोरोबिक है, तो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट भी अलग अलग फॉर्म होंगे, है ना, प्रोडक्ट भी अलग अलग फॉर्म होंगे। क्या बताए हैं, इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। बताया गया इसमें, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, एंजाइम इतना हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन यानी रेट ऑफ रिएक्शन इतना कैसे बढ़ा देते हैं, सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आप डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वुड स्टडी ऑफ एंजाइम लिटिल मोर, है ना, इसको समझने के लिए क्या हमको, हम ये तो जानते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमको पता हैं, बट एंजाइम इतने हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको समझने के लिए हमको एंजाइम के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट, हमने एक्टिव साइट के बारे में पढ़ लिया है कि जो एंजाइम में टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, वही अपने आप में कॉइल्ड हो जाते हैं, बहुत सारे फोल्डेड बना लेते हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं और बुलियन बॉल के तरीके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी में क्या होते हैं क्रेविसेस होते हैं जिनको पॉकेट बोलते हैं, और उन्हीं को क्या बोलते हैं एक्टिव साइड बोलते हैं, पॉकेट को क्या बोलते हैं एक्टिव साइड बोलते हैं। अब एक्टिव साइड में क्या होते हैं, सबस्ट्रेट आके बाइंड करते हैं और फिर आगे प्रोडक्ट बनता है, ये हमको तो पता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर ए टू ए रिएक्शन, है ना, फिर उसके बाद क्या एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, फिर वो केमिकल होगी, केमिकल रिएक्शन होगी या मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगा और फिर वो रिएक्शन होगी, है ना। क्या है, द केमिकल विच इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो केमिकल केमिकल विच इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, केमिकल वो केमिकल जो क्या होगा, केमिकल विच कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट, केमिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट बोलते हैं, याद रखेंगे केमिकल विच कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, हेंस एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, अतः एंजाइम क्या होते हैं हम सभी जानते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन है, बट सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम के तरीके बिहेव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हेंस एंजाइम, एंजाइम में डेट इज प्रोटीन विद थ्री डायमेंशनल, प्रोटीन विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, जो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें क्या होते हैं एक्टिव साइट्स होते हैं, एक्टिव साइट में आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, है ना, कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को किसे डोनेट करते हैं, सबस्ट्रेट को यस से डोनेट करते हैं इनटू प्रोडक्ट, है ना, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं, हमको यहाँ पे सिंबली दिखाया गया है, वो सिंबल दिखाए गए हैं, क्या दिखाया गया है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हमको यहाँ तो ऐसे सिंपली दिखा दिया गया सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है, है ना, ऐसा नहीं होता है, पहले एंजाइम आता है फिर सबस्ट्रेट आता है, क्या आता है एंजाइम आता है सबस्ट्रेट आता है फिर क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम अलग होता है प्रोडक्ट अलग होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, बट ये सारी की सारी एंजाइम सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, उसके बीच में जितने भी स्टेप होंगे वो ट्रांजिएंट होंगे, है ना, यानी वो अनस्टेबल स्टेप होंगे, तो उनको हम कंसाइडर नहीं करते हैं, वो क्षणिक होते हैं, कुछ क्षण के लिए बनते हैं, कुछ सेकंडों के लिए बनते हैं, उसके बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये आगे चल के सारी की सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है, ये हमको दिखाया गया सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, इट इज़ नाउ अंडरस्टैंड, ये अब समझना जरूरी है, डेट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड एन एंजाइम एट इन एक्टिव साइट्स विद इन ए गिवन क्लेप्ट और पॉकेट, है ना, अब हमको समझना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है एंजाइम के एंड इट्स एक्टिव साइट, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट आके क्या करेगा बाइंड करेगा, जो कि एंजाइम में क्या हुए वो एक्टिव साइट थी जिनको क्या बोले थे क्लेप्ट बोले थे और पॉकेट बोले थे या क्रेविसिस बोले थे। ठीक है, उससे आके बाइंड करेगा, दस सबस्ट्रेट हैज टू, सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, फिर सबस्ट्रेट क्या होगा डिफ्यूज हो जाएगा किसकी तरफ टूवर्ड द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा यानी धीरे धीरे उसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा, है ना, उसकी तरफ
सबस्ट्रेट शिफ्ट होने लगेगा एक्टिव साइट की तरफ, ठीक है। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन, इसके बाद क्या होता है, एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होता है जिसको ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ ई स्टैंड फॉर एंजाइम, ई जो है एंजाइम को स्टेट कर रहा है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमेना, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ट्रांजिएंट फिनोमेना का मतलब बहुत ही कम समय के लिए है ना, थोड़े समय के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए है ना, स्मॉल टाइम के लिए ये बना, बहुत थोड़े समय के लिए बना, ये ट्रांजिएंट फिनोमेना है जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट्स, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट जो बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, तो नया स्ट्रक्चर बनेगा, नया स्ट्रक्चर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंजाइम दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो वही यहाँ बताया गया, ड्यूरिंग द स्टेज वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, वो स्टेट जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है तो नया स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म है ना ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है हाइब्रिड स्टेज, हाइब्रिड स्टेज क्या होता है, हाइब्रिड स्टेज, हाइब्रिड स्टेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें बनेगी, ठीक है। वेरी सून उसी कुछ समय बाद, थोड़े समय में, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग द कंप्लीटेड, जब उसके बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी यानी केमिकल प्रोसेस होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, है ना, वही बताया गया हमको। वेरी सून आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग द कंप्लीट, यानी बॉन्ड ब्रेक होंगे यानी बॉन्ड टूटेंगे बनेंगे, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, सो क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइट से, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा और वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में क्या देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म, जो स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट का, स्ट्रक्चर होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, हमको यही बताया गया। इन दूसरे वर्डों में देखें तो सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित हो जाता है, यानी ट्रांसफर हो जाता है इनटू प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, है ना, तो इस पाथवे को क्या बोलते हैं, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, और ये जो बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम अलग हुआ, प्रोडक्ट अलग हुआ, ये क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर हुए, यानी हाइब्रिड स्टेट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन स्टेबल प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे और सारी बहुत सारे अल्टर स्ट्रक्चर होते हैं, किसके किसके बीच में, स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे स्टेबल अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनते हैं, अल्टर स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि मायने नहीं रखते हैं हमारे लिए, इतने मायने नहीं रखते हैं, वो बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, हमको सिर्फ क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, उसके बीच का स्ट्रक्चर जो थोड़े समय के लिए बन रहे हैं, ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो बहुत थोड़े समय के लिए बनते हैं, तो वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये हमको बताया गया है। इम्प्लीसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट आर अनस्टेबल, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, है ना, वो इतना मायने नहीं रखते हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटेड ऑफ द मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी क्या रिलेट करती है, स्टेबिलिटी से क्या पता चलता है, स्टेबिलिटी हम किसके बेसिस पे देखते हैं, स्टेबिलिटी हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस, है ना, एनर्जी स्टेटस जो मॉलिक्यूल बनना है, जो स्ट्रक्चर बनना है, उसका एनर्जी स्टेटस क्या है, उसमें कितनी एनर्जी पाई जा रही है, उसके बेसिस पे हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। हेंस वी लुक एट दिस पिक्टोरियली, है ना, पिक्टोरियली का मतलब होता है सचित्र, क्या मतलब होता है, सचित्र, सचित्र का मतलब होता है उसकी हम चित्र को, उसकी हम फिगर को देख के, उसके डायग्राम को देख के हम कुछ समझें, ठीक है, ये हमको बताया गया है।
When we look a pictorially through a graph, it look like something. तो हमको फिगर दिखाया गया 9.6 फिगर दिखाया गया हमको, वो हम देखते हैं ठीक है। अब फिगर क्या दिखाया गया हमको, 9. फिगर ये दिखाया गया हमको, ये देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, जो जो वाई एक्सिस है ये क्या हुई, ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये कैसी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इधर वाली एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया गया है। और एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया है उनको, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसी हो रही है, उसके ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया गया है ठीक है। अब यहाँ पे एक यस क्या है, यस जो है हमारा सबस्ट्रेट है, यस क्या है सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, हाई एनर्जी है, इसमें क्या है हाई एनर्जी है, क्या है हाई एनर्जी है। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है ठीक है। अब यहाँ पे हमको ट्रांजिशन स्टेट दिखाएगी, ट्रांजिशन स्टेट मतलब यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे है ना, यहाँ पे ये बनेगा ट्रांजिशन स्टेट मतलब हाइब्रिड स्टेट ठीक है। और इसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया गया है। एंजाइम का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब यहाँ पे हमको ये बताया गया है, जो सबस्ट्रेट है हाई एनर्जी लेवल पे है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, एक्जोथर्मिक होगी, एक्जोथर्मिक होगी। यानी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारे पास मान लो 1000 रुपये हैं ठीक है, 1000 रुपये हैं। अगर हमको किसी को 1 रुपये देना है तो हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी यार, एक हज़ार में से हम 1 रुपये दे देंगे है ना। तो मतलब मेरे पास हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, तो 1 रुपये निकल जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है। तो इसी वजह से इसमें क्या है, सबस्ट्रेट के पास हाई एनर्जी है और जो प्रोडक्ट के पास है लो एनर्जी है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी है ना, एनर्जी से रिलीज होगी। एक्जो का मतलब ही होता है बाहर, कोई चीज़ बाहर निकल रही है, और थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी है ना, तो यानी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो स्पॉन्टेनियस भी होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी देनी नहीं पड़ी, वो रिएक्शन स्वयं से हो रही है, यानी स्वतः से हो रही है, इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे है ना। एंजाइम का क्या क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है इतना है ना, जब एंजाइम काम नहीं कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम नहीं है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बहुत ज़्यादा है ना, एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी है ना, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा हमको ये ग्राफ क्रॉस करना पड़ेगा। अब क्या है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बीच एंजाइम, जब एंजाइम आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और हमको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो एंजाइम का काम यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ताकि जल्दी प्रोडक्ट बन जाए है ना, जल्दी प्रोडक्ट बन जाए। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये बताया गया था वाई एक्सिस जो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट था पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, यानी वाई एक्सिस जो था पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंट था प्रोग्रेशन है ना, प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब कौन सा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर परिवर्तित हो रहा है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर बदल रहा है, बन रहा है ना। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का मतलब होता है परिवर्तन वाली स्टेज, यानी चेंजमेंट की स्टेट ठीक है। ऑफ स्टेट थ्रू जब इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हाइब्रिड स्टेट, यानी इसमें हाइब्रिड स्टेट बनेगी, यानी एंजाइम सब स्टेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे ठीक है। आगे क्या है, यू वुड नोटिस टू थिंग्स, आपने दो चीज़ें देखी होंगी क्या, द एनर्जी एनर्जी लेवल डिफरेंस, सब स्टेट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी लेवल डिफरेंस देखा होगा। हाँ मैंने देखा है, क्या देखा है कि सब स्टेट का एनर्जी लेवल था वो हाई था और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल था कम था है ना, क्या था जो सब स्टेट का सब स्टेट और उनके प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी लेवल देखा है, तो प्रोडक्ट है लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के पास जो है एनर्जी लेवल ज़्यादा था, प्रोडक्ट के पास कम था। तो ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक बोलते हैं। और कैसी रिएक्शन बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, कैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं इसको, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है, एक्जो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट या एनर्जी है ना, एनर्जी बाहर निकले है ना, एनर्जी रिएक्शन में करने के लिए एनर्जी देनी ना पड़े ठीक है। वंस नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनाने में हमको एनर्जी देनी ना पड़े, एनर्जी कैसे देंगे उसको, हम हीट करके देंगे है ना, तो वो हमको देनी ना पड़े, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाउएवर वेदर इन इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यानी जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको एनर्जी देनी पड़ती है, बट एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ठीक है। हाउएवर वेदर इन एक्जोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी उसी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होती है, यानी उसमें एनर्जी की जरूरत
पड़ेगी, यानी एनर्जी हमको रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। कैसे देंगे? उसको हीट करके देंगे, किसी भी तरीके से हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सीधा सिंपल तरीका है, ठीक है। आगे कहें, यस हैज टू गो ए मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। जो सबस्टेट होता है, सबस्टेट में क्या है उसमें हायर एनर्जी स्टेट है, इसको क्या बोला? ट्रांजिशन स्टेट बोला, ठीक है। क्या बोला? ट्रांजिशन स्टेट बोला। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट, है ना, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट सबस्टेट फ्रॉम डेट दिस ट्रांजिशन स्टेट कॉल एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। जो ट्रांजिशन स्टेट हमको दिखाई गई थी कि जो ग्राफ में दिखाया गया था कि ऐसे था और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो थी यहाँ पे थी, ये एक्टिवेशन जब विदाउट एक्टिवेशन जब एंजाइम नहीं था, और जब फिर एंजाइम आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? कम हो गई, है ना। जब एंजाइम आ जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको बताया गया, उसको क्या बोले? एक्टिवेशन एनर्जी बोले थे। एंजाइम का काम क्या होता है? अब हमको इसमें बताया गया एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, है ना। एंजाइम जो होता है एनर्जी बैरियर यानी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? ये कम करता है। एंजाइम को होगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और क्या करेगा? मेकिंग द ट्रांजिशन स्टेट, है ना, ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसको कम कर देगा और क्या? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जल्दी बनवा देगा, ठीक है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जल्दी बनवा देगा। अब एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम क्या हुआ? ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, है ना। यही इसका काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी जो हमको ऊंचाई कवर करनी पड़ रही थी, ग्राफ कवर करना पड़ा था, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी, वो ख़त्म कर दिया, उसको बैरियर को ख़त्म कर दिया, उसको कम कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। वर्क करता है तो सारी की सारी चीज़ें आगे देखते हैं हम लोग। तो एंजाइम क्या होते हैं हमको पता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ईच एंजाइम, एंजाइम को डोनेट किया गया है ई से, है ना। एंजाइम का सिंबल क्या है? ई से हैज ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है यस से डोनेट करते हैं इसको, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, है ना। प्रत्येक एंजाइम में क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, जिसमें क्या बाइंडिंग साइट होती है, जो इट्स मॉलिक्यूल सो डेट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस, है ना। तो एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी जो कि क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, है ना। हाईली रिएक्टिव होगा, जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो अनस्टेबल होगी, है ना। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव, जो चीज़ मोर रिएक्टिव होगी यानी जल्दी से रिएक्शन करेगी तो वो क्या होगी? लेस स्टेबल होगी, ठीक है, याद रखेंगे। मोर रिएक्टिव चीज़ लेस स्टेबल होती है, जो जल्दी से रिएक्शन करती है वो बहुत ही कम स्टेबल होती है। आगे यही बताया गया है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। आगे क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, और जो मोर रिएक्टिव होगी शॉर्ट लिव होगी, है ना, मतलब थोड़े समय के लिए बनेगी, यानी ट्रांजिएंट होगा उसका, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो होगा शॉर्ट लिव होगा, डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट, और क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से वो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, फिर वो प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाएगा। एंड अनचेंज एंजाइम, और जो अनचेंज एंजाइम होगा, एंजाइम होगा वो फर्दर फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, मतलब फिर एंजाइम जो होगा फ्री हो जाएगा किसी अदर रिएक्शन के लिए। अनचेंज एंजाइम विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है, एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एसेंशियल होता है कैटालिसिस के लिए, किसी चीज़ की रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम सबस्टेंट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एसेंशियल होता है। हमको यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, इसमें क्या क्या दिया गया हमको? एंजाइम दिया गया है, एंजाइम को इसे डोनेट किया गया है, और यस यस मतलब सबस्ट्रेट, है ना। ये फिर मिलके क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, ये मोर रिएक्टिव हुआ और लेस स्टेबल हुआ, शॉर्ट लिव होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये शॉर्ट लिव होता है मोर रिएक्टिव होता है लेस स्टेबल होता है। तीन चीज़ें इसके बारे में हमने देखी, क्या क्या देखी? ये शॉर्ट लिव होगा, थोड़े समय के लिए होगा, मोर रिएक्टिव होगा मतलब हाईली रिएक्टिव होगा, और लेस स्टेबल होगा क्योंकि रिएक्टिव चीज लेस स्टेबल होती है। उसके बाद क्या हुआ? फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन गया, है ना, कि एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या बना? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद क्या हुआ? एंजाइम अलग हो गया, है ना, ये अलग हो गया, और प्रोडक्ट क्या हुआ? अलग हो गया। तो एंजाइम जो अलग हुआ तो ये फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये दूसरी रिएक्शन
फिर से परफॉर्म करेगा, दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया है ना, क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, यही हमारा मेन था कि प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो एंजाइम पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, बट रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं हुआ, एंजाइम हमको जैसा था वैसा मिल गया, फर्दर दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, आगे क्या है, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की कैटालिटिक साइकिल होती है, मतलब वो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट बना, एंजाइम आया सबस्ट्रेट आया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम फिर फर्दर किसी दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वही हमको यहाँ पे बताया गया है, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन ए फॉलोइंग स्टेप, कुछ फॉलोइंग स्टेप में कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम के बारे में हमको बताया गया, उसका एक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के बारे में बताया गया है, द फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम से, एंजाइम की जो एक्टिव साइड होंगी उससे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, क्योंकि प्रत्येक एंजाइम में एक्टिव साइड्स होती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो क्रेविसेस पॉकेट थी उन्हों को हम क्या बोल रहे थे, एक्टिव साइड बोल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के एंजाइम की सबस्ट्रेट में एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, फिर उसी में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, फिटिंग इनटू एक्टिव साइड, और वो एक्टिव साइड में फिट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, अब क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, है ना, जो क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम में तो मोर टाइटली बाइंड करेगा, है ना, बहुत तेजी से इसमें चिपक के रह जाएगा, टाइटली बाइंड करेगा सबस्ट्रेट में। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसकी शेप को अल्टर करेगा, शेप को अल्टर करेगा यानी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है इसमें, शेप का अल्टर्ड होना, स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होना, ये क्या देखा था हम लोगों ने, फिजिकल प्रोसेस था, है ना, फिजिकल प्रोसेस था उसमें, ये होता है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस एंजाइम की, एंजाइम की उसकी शेप को अल्टर करेगा और उसमें टाइटली बाउंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या होगा, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिव साइड है, नाउ इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। अब क्या होगा, अभी तक तो फिजिकल प्रोसेस था, अब क्या होगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड टूटेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल प्रोसेस होगा, तो इसमें क्या होगा, न्यू बॉन्ड जो होंगे बनेंगे और ओल्ड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे, है ना। तो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइड होंगी, नाउ इज क्लोज प्रॉक्सिमेटली द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से बाइंड होंगी और ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, यानी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बोला तो यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड जो होंगे, ओल्ड केमिकल बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और न्यू केमिकल बॉन्ड होंगे वो बनेंगे, है ना। और फिर क्या बना लेंगे ये लोग, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसको हम किससे डोनेट करते थे, ईपी से डोनेट करते थे। अब इसके बाद क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ये अपना लास्ट स्टेप होगा जो हमको चाहिए होता है। ठीक है, फोर्थ में क्या बताया, एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम रिलीज प्रोडक्ट, है ना, रिएक्शन में क्या हुआ, प्रोडक्ट एंजाइम रिलीज कर देगा। ठीक है, रिएक्शन में जो हमको चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था हमको, प्रोडक्ट मिल गया, अब एंजाइम खाली बचा तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और वो एक कैटालिटिक साइकिल फिर से चालू करेगा, फिर से कैटालिटिक साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये एंजाइम एक्शन के बारे में था। अब क्या बताया गया हमको, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को फैक्टर अफेक्ट करने वाले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाई चेंज इन कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में जो होता है क्या अफेक्ट होता है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन अफेक्टेड द चेंज इन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग जब कंडीशन चेंज होगी तो उसकी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की भी अफेक्ट हो जाएगी। क्या होगा उसमें, कैन अल्टर्ड, अल्टर क्या करेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ही जो थी वो भी उसी में क्या था, क्रेविसेस थे, पॉकेट थे, इसको एक्टिव साइड बोल रहे थे जिसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा था, है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो उसी का टर्शियरी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ठीक है, उसी के एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। दीज इंक्लूड टेम्परेचर, है ना, अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला हमको बताया गया है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बताया गया है, पीएच बताया गया है, कौन कौन से बताए गए हैं,
टेम्परेचर बताया गया है, पीएच बताया गया है, पीएच का मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, पीएच यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंसी क्या होती है, और टेम्परेचर यानी पीएच, टेम्परेचर चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करने पे कैसे कैसे उसकी एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होती है, और बाइंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल डेट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, और एक स्पेसिफिक केमिकल की बाइंडिंग जो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रही है। तो हमको इसमें फर्स्ट क्या बताया गया, टेम्परेचर और पीएच के बारे में बताया गया, तो उसको देख लेते हैं, है ना। फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंजाइम को टेम्परेचर और पीएच, है ना। एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, है ना। जो एंजाइम होते हैं वो जनरली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पर वर्क करते हैं। नैरो रेंज टेम्परेचर और पीएच मतलब यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ऑप्टिमम पीएच, क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच मतलब एक नॉर्मल रेंज ऑफ, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एज ए रूम टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आएंगे तो उसमें हम रूम टेम्परेचर बोलेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर एंजाइम की जनरली जो फंक्शन करते हैं, है ना, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे ना। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, है ना। प्रत्येक एंजाइम जो होता है अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करता है, हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पे अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब जिस टेम्परेचर पे हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेगा उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे, और जिस पीएच पे ऑप्टिमम अपनी एक्टिविटी शो करेगा तो उसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइन हो जाती है अगर हम उसकी ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, और ऑप्टिमम वैल्यू से कम टेम्परेचर या पीएच करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो होगी एंजाइम की वो डिक्लाइन हो जाएगी, वही हमको बताया गया है। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू से ज़्यादा और कम देने पे उसकी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगेगी, ठीक है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर क्या करता है, वो एंजाइम को प्रिजर्व करता है, एंजाइम को क्या करता है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है, इससे प्रिजर्व करता है टेम्परेरी इनएक्टिव, कि वो टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट में ना जाए, है ना। लो टेम्परेचर होगा वो एंजाइम को प्रिजर्व करेगा इसमें कि वो टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट में ना जाए, ठीक है। जबकि हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर क्या करता है, हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय क्यों कर देगा, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन क्या होता है हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाती है, प्रोटीन क्या होती है हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाती है, ये याद रखेंगे, है ना। प्रोटीन क्या होती है हाई टेम्परेचर पे डीनेचर बाई हीट, यानी वो प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएगी, इसीलिए जो हाई टेम्परेचर होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बिकॉज क्योंकि एंजाइम होते हैं प्रोटीन के मिलके बने होते हैं तो प्रोटीन क्या होती है डीनेचर बाई हीट, हीट से डीनेचर हो जाती है। अब हमको फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, इफेक्ट इन चेंज पीएच, पीएच का ये हमको फिगर दिखाया गया है ना। यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई गई हमको, एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई गई, साइड में इधर पीएच दिखाया गया है। अब ये जो हमको ग्राफ दिया गया है एक इस पे दिया गया है नैरो रेंज, नैरो रेंज पे हमको बताया गया है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच का ये हमको ग्राफ दिया गया है ना। नैरो रेंज पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो हमको ग्राफ दिया गया है ये टेम्परेचर का दिया गया है, ये टेम्परेचर दिखाया गया हमको, इधर एंजाइम की एक्टिविटी होगी, इधर एंजाइम की एक्टिविटी होगी, एंजाइम की एक्टिविटी इधर होगी, इधर ये टेम्परेचर है, तो ये भी क्या है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का दिखाया गया है ना, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर का दिखाया गया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का दिखाया गया है ग्राफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर हमको क्या था सेकंड फैक्टर क्या था जो इफेक्ट कर रहा था एंजाइम की एक्टिविटी को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही थी। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज फर्स्ट। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी वो सबसे पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। उसका रीजन होता है क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो इसी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना। विद इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज फर्स्ट, तो फर्स्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो होगी एक्टिविटी होगी, वेलोसिटी होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिर क्या है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर राइज करके, वेलोसिटी राइज करके वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी, है ना।
यही बताया गया है द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी और अल्टीमेटली रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, जिसको क्या किससे डिनोट करते हैं, वी मैक्स से डिनोट करते हैं, वी मैक्स से डिनोट करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी को। उसके बाद क्या है, विच नॉट एक्सीड बाई फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम कितनी भी बढ़ा दें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाएं, उसके बाद वो क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हमको बताया गया है, दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये इसलिए होता है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं वो कम होते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से, है ना, और एंजाइम के मॉलिक्यूल जो होते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से कम होते हैं। और जब क्या होता है, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, और जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी तो क्या आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, सैचुरेशन आने पे ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देयर इज नो फ्री एंजाइम। तो उसमें क्या होता है, सैचुरेशन के बाद कोई फ्री एंजाइम बचता नहीं है, इसी वजह से कोई एडिशनल सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करता, इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होती है एक मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद में इंक्रीज नहीं की जा सकती है। इसका मेन रीजन यही होता है कि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से कम होते हैं, और जब वी मैक्स तक पहुंच जाएगी तो क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। और जब सैचुरेशन आने पे कोई चीज़ क्या होती है ना, सैचुरेशन आने पे एंजाइम के मॉलिक्यूल एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्शन नहीं करते हैं, इसी वजह से वी मैक्स के बाद कोई वेलोसिटी एंजाइम की एक्टिविटी वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब आगे क्या है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल डेड बाइंड टू द एंजाइम, है ना। जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो सेंसिटिव होती है स्पेसिफिक केमिकल क्या होते हैं, वो केमिकल होंगे, स्पेसिफिक केमिकल होंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर देंगे। दो टाइप के हो गए, है ना, इनहिबिटरी होंगे और एक्साइटेटरी होंगे। मतलब एक्साइटेटरी मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और इनहिबिटरी मतलब वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे, है ना, रेट को कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, दोनों टाइप के केमिकल होंगे। ठीक है, इसी में क्या है, When the binding of the chemical, shut off enzyme activity, और जो specific chemical होते हैं ये enzyme की activity को, है ना, ये specific chemical होंगे, binding the chemical, shut off the enzyme activity, जो enzyme की activity को shut off कर दें, shut off का मतलब होता है बंद कर दें, क्या कर दें, बंद कर दें यानी क्लोज कर दें। ठीक है, क्या कर दें, क्लोज कर दें, तो इनको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं, बट ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पेसिफिक केमिकल होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहिबिशन, है ना, और ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिशन क्या होता है, तो प्रोसेस होगा वो इनहिबिशन होगा, जो केमिकल होंगे वो क्या होंगे, इनहिबिटर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन द इनहिबिटर क्लोज रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट, है ना, जब क्या होता है, इनहिबिटर होता है वो क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट से, है ना, इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम नोन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो क्लोजली रिजेंबल, ऐसे इनहिबिटर जो क्लोजली रिजेंबल करें सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से, है ना, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से क्लोजली रिजेंबल करें और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें, तो ऐसे इनहिबिटर को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये किसके लिए कंपटीशन करते हैं, किसके लिए कंपटीशन करते हैं, एक्टिव साइट के लिए, है ना, एक्टिव साइट के लिए, एक्टिव साइट के लिए ये क्या करेंगे, इससे कंपटीशन करेंगे, है ना। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे क्लोजली रिजेंबल करें सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से और उसकी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग का एग्जांपल होता है जो बैक्टीरिया पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज होती है, सल्फा ड्रग होती है, आगे चल के मैं आपको फिर से बताऊंगा, है ना, सल्फा ड्रग होती है जो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिशन कंप्लीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। तो इसके मतलब यही है कि क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, इसके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी पाई जा रही है और ये इनहिबिटर कंप्लीट करता है सबस्ट्रेट से किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, जो एंजाइम में बाइंडिंग साइट है उसके लिए इनहिबिटर कंप्लीट करता है सबस्ट्रेट से। ठीक है, आगे क्या है, कंसेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज ए रिजल्ट द एक्शन एंजाइम एक्शन डिक्लाइन,
है ना। अब उसमें क्या होगा, एक्टिव साइड में इनहिबिटर आ जाएगा, एक्टिव साइड में इनहिबिटर आके बाइंड कर देगा, तो उसमें सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना। इसमें क्या है, जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, अब एक्टिव साइड में इनहिबिटर आ गया तो सबस्ट्रेट उसमें बाइंड नहीं कर पाया, तो क्या होगा, एंजाइम का एक्शन जो होगा डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन हो गया, उसका हमको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में हमको बताया गया है इनहिबिशन ऑफ सबसिनिक डिहाइड्रोजनेज, इनहिबिशन ऑफ सबसिनिक डिहाइड्रोजनेट बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सबसिनेट इन स्ट्रक्चर, है ना। इसमें हमको एग्जाम्पल दिए बताया गया है कि जो इनहिबिशन ऑफ सबसिनिक डिहाइड्रोजनेट, जो सबसिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है, सबसिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है, ये किसके द्वारा, इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, ये मेलोनेट से। मेलोनेट क्या है, ये इनहिबिटर है। मेलोनेट क्या है, ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर है, ये मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है, है ना। इनहिबिशन ऑफ सबसिनिक डिहाइड्रोजनेट बाय मेलोनेट, है ना। सबसिनिक डिहाइड्रोजनेट का इनहिबिशन किसके द्वारा होता है, मेलोनेट के द्वारा होता है, विच इज क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सबसिनेट इन स्ट्रक्चर, जो कि मेलोनेट क्लोजली रिजेंबल करता है सबसिनेट के स्ट्रक्चर से, है ना। ये किस टाइप का इनहिबिटर हुआ, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सच कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आर ऑप्टन यूज इन, सच कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आर ऑप्टन यूज इन द कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन। तो ऐसे जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, ये कब यूज किए जाते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, इसका एक एग्जांपल होता है सल्फा ड्रग। क्या होता है, सल्फा ड्रग होती है, वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होती है, जो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज की जाती है। सल्फा ड्रग जो होती है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होती है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर यानी बैक्टीरिया पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज होती है। क्या ये ड्रग का नेम है, क्या है ड्रग, ड्रग का नेम हम लोग याद रखेंगे, ड्रग का नेम है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग क्या है, सल्फा ड्रग, ठीक है। ये बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज होती है। कंसंट्रेशन वाला जो ग्राफ था, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम एक्टिविटी थी, इसको अफेक्ट कर रहा था, तो इसमें हमको ये बताया गया है कि ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, इधर क्या है, ये इधर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, है ना। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स तक चली जाएगी, वी मैक्स के जाने के बाद फर्दर इसकी कंसंट्रेशन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं वो कम होते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से, और जब यहाँ पे क्या हुआ, सैचुरेट हो गया, यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आने के बाद क्या होता है, कोई भी एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के एडिशनल मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि बचे नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल कम होते हैं, है ना, इसी वजह से वो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, केएम, केएम क्या होता है, केएम क्या होता है, माइकेलिस मेंटिस कांस्टेंट, क्या होता है, माइकेलिस मेंटिस कांस्टेंट, है ना, माइकेलिस मेंटिस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, केएम को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया हमको, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम को कैसे कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं, क्यों क्लासिफाइड करते हैं, इसका बेसिस क्या होता है, और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, थाउजेंड ऑफ एंजाइम, है ना, थाउजेंड ऑफ एंजाइम हैज़ बिन डिस्कवर, है ना, बहुत सारे एंजाइम क्या हो गए, डिस्कवर हो चुके हैं, और क्या हो गए, आइसोलेट हो चुके हैं, उनको हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया है, और क्या उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई भी कर ली है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। क्या है, यानी थाउजेंड ऑफ एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, और उनके बारे में हम लोगों ने उनको आइसोलेट कर लिया है, और क्या स्टडी कर लिए है। आगे क्या है, मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, है ना। एंजाइम को हम डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है, कि वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, है ना, किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम एंजाइम को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लास, एंजाइम को सिक्स क्लासों में डिवाइड किया गया है, है ना। एंजाइम को कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंजाइम को कितने क्लासों में डिवाइड किया गया है, तो हम बोलेंगे सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब प्रत्येक सिक्स क्लास को, यानी जो सिक्स क्लासों में डिवाइड हुए हैं, तो प्रत्येक में क्या होता है, चार से फोर टू थर्टीन सब क्लासेस होती हैं, है ना। चार से तेरह कितनी होती हैं, चार से तेरह इनकी सब क्लासेस होती हैं। एंजाइम को कितने ग्रुप पे डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप पे, सिक्स क्लास पे डिवाइड किया गया है, है ना। और प्रत्येक में चार से सोलह, चार से तेरह सब क्लास होती हैं, सॉरी चार से कितनी, चार से तेरह
सब क्लास होती हैं, है ना। नेम अकॉर्डिंग बाई फोर डिजिट नंबर, और इनके जो नाम रखे गए हैं, इनके फोर डिजिट नंबर यानी इसके जो फोर आगे वाले अल्फ़ाबेट हैं उनके अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। क्या क्या नाम रखे गए हैं देखते हैं हम लोग, है ना। पहला हमको क्या बताया गया है, ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, है ना। मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडो, इसमें ऑक्सीडेशन भी आ रहा है, वो क्या आ रहा है, रिडक्शन, यानी ये काम करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम करेगा, है ना। इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, और इसी को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेजेज, है ना, डिहाइड्रोजिनेजेज बोलते हैं। तो देखते हैं क्या करेगा ये एंजाइम, एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडेस ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट यस एन एसिड्स, है ना। इसका काम क्या होगा, ऑक्सीडन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा, है ना। दो सबस्ट्रेट के बीच में हमको सबस्ट्रेट में डिनोट किए गए हैं, यस से और एक यस डैश से। इसमें इसका रिएक्शन देख लेते हैं, जो यस क्या है, यस क्या ये रिड्यूस हो रहा है, क्या है, रिड्यूस्ड, है ना, और यस डैश क्या है, ऑक्सीडाइज है। अब ये क्या करेगा, जो यस है यहाँ पे रिड्यूस, तो इसको कर देगा प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडाइज, और जो यहाँ पे क्या है, यस डैश ऑक्सीडाइज है, तो उसको कर देगा प्रोडक्ट साइड में रिड्यूस। तो यही यहाँ पे इसका काम हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का काम करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, यस जो प्रोडक्ट साइड में क्या है, यस है, तो यस रिड्यूस है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और जो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे यस डैश रिड्यूस है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या है, यस डैश ऑक्सीडाइज है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे सेकेंड ग्रुप क्या बताया, सेकेंड क्लास क्या है इसकी, ट्रांसफेरेजेज, क्या है, ट्रांसफेरेजेज, मतलब इसका नाम से ही पता चला है ट्रांसफर, है ना, इसके नाम में क्या रहा है, ट्रांसफर, तो यानी ये ट्रांसफर करेगा, क्या ट्रांसफर करेगा, ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, ठीक है, इसका नाम से पता चला है ट्रांसफेरेजेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम कैटलाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, है ना, ये ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, वो ग्रुप हो सकता है हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना, वो ग्रुप क्या हो सकता है, अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप होगा ये ट्रांसफेरेज इसको ट्रांसफर करेगा, बिटवीन द पेयर ऑफ सबस्ट्रेट यस एंड यस डैश के बीच में पेयर जो है उनमें ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, वो ग्रुप क्या हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसमें ये बताया गया है जो यस में पहले ग्रुप लगा हुआ है रिएक्टेंट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में यस डैश में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब ये क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, जो यस है सबस्ट्रेट यस है, तो उसमें ग्रुप उसका जो ग्रुप हट गया, और वही ग्रुप आके कहाँ पे लग गया, यस डैश पे लग गया, तो यानी ये इसने ग्रुप का क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ग्रुप को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ग्रुप को चेंजमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसके सेकंड आगे क्या क्लास है, आगे इसकी क्या है, ये हम लोगों ने क्या देखा इसमें, हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोलिसिस करेगा, ये हाइड्रोलिसिस करेगा, तो देख लेते हैं, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये हाइड्रोलिसिस किसकी किसकी करेगा, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करेगा, ईथर की करेगा, पेप्टाइड की करेगा, और क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक की करेगा, ग्लाइकोसिडिक की करेगा, और क्या करेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की करेगा, कार्बन हैलाइड की करेगा, और फास्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड की करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्लास है, इसके बाद क्या है, लाइजेस, लाइजेस क्या होते हैं, लाइजेस क्या करेंगे, इसके नाम से पता चल रहा है लाइजेस, ये क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ग्रुप, ग्रुप को रिमूव करेंगे, लाइजेस क्या करेंगे, ग्रुप को रिमूव करेंगे, एंजाइम डेट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, यानी ये सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करेंगे बाई मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के अलावा, है ना, हाइड्रोलिसिस के अलावा अदर मैकेनिज्म से लाइजेज क्या करेंगे, ग्रुप को रिमूव करेंगे, कहाँ से, सबस्ट्रेट से, लीविंग डुअल बॉन्ड, और क्या करेंगे, डुअल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब इसके हमको रिएक्शन दिए गए हैं, हमको पहला रिएक्शन क्या दिया गया है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिया गया है, एक कार्बन में एक्स लगा हुआ है और दूसरे कार्बन में वाई लगा हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ग्रुप का इनका रिमूव करने का काम है, तो ये ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देंगे, एक्स वाई जो ग्रुप लगे हुए हैं इनको रिमूव करके ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, और ये कार्बन कार्बन डुअल बॉन्ड बना दिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनको मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस से ये ग्रुप को रिमूव करते हैं और डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बना दिया ये, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे का क्लास क्या दिया गया हमको, आइसोमेरेजेस, है ना, इसके नाम से ही पता चला आइसोमर, आइसोमर हम लोगों ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, तो वही यहाँ पे इसके में बताया गया है, इनका नाम से ही पता चल रहा है आइसोमेरेजेज, है ना, ये क्या करेंगे, आइसोमर बनाएंगे, क्या करेंगे, आइसोमर बनाएंगे, इंक्लूडिंग ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्जन, ये इंटरकन्वर्जन करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर, और क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और
पोजिशनल आइसोमर, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर को ये लोग कैटलाइज करेंगे, ठीक है, इंटरक्रमोजन करेंगे इन्हीं के बीच में, ठीक है। अब क्या है, लास्ट क्लास क्या है, लाइगेजेस। लाइगेज के मतलब होता है, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। ये क्या करेंगे, दो चीज़ों को जोड़ेंगे, दो चीज़ों को जोड़ेंगे। एंजाइम कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड को क्या करेंगे, लिंक करेंगे टुगेदर, एक साथ जोड़ेंगे। इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एंजाइम विच कैटलाइज ज्वाइनिंग, एंजाइम ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको किसको, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, कार्बन सल्फर बॉन्ड को, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को और फास्फोरस ऑक्सीजन को ज्वाइंट करेंगे, यानी जोड़ेंगे, और बहुत सारे बॉन्ड, और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं उनको भी ये लोग जोड़ते हैं, इनके नाम से पता है लाइगेजेज। लाइगेजेज का मतलब जोड़ना, और लाइगेजेज का मतलब क्या था, इसमें कन्फ्यूजन होता है, याद रखेंगे, ये जो होता है लाइगेजेज का मतलब होता है जोड़ना, ये जो होंगे जोड़ेंगे, और जो लाइगेजेज था, लाइगेजेज था ये क्या कर रहा था, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा था, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया हमको, कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कोफैक्टर, तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम हम लोगों को पता है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बट सारी के सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं, बट कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एंजाइम, तो उनको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब देखते हैं क्या लिखा गया है, एंजाइम आर कंपोज ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, जो एंजाइम होते हैं एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कंपोज किए होते हैं, यानी उससे मिलकर बने होते हैं। एंजाइम आर कंपोज ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन मतलब क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, क्यों एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें पेप्टाइड लिंकेज पाई जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है, पेप्टाइड चेन पाई जाएगी। However, जबकि there are a number of cases in which non-proteinase constitute called cofactor, है ना, और इनमें क्या होता है, ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, बट इनमें क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफैक्टर बोलते हैं। नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूंट कॉल्ड कोफैक्टर, जो कोफैक्टर होता है वो कैसा होता है, कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन होता है, कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन होता है, नॉन प्रोटीन प्रोटीन का बना होता है जो कोफैक्टर होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया था कि जो प्रोटीन होता है उससे एंजाइम मिलके बने हुए होते हैं, यानी सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन के नेचर होते हैं, बट जो इसमें होता है कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीनेसियस होता है, ठीक है। ये जो कि बाउंड होता है नॉन कोफैक्टर, जो बाउंड होगा, कोफैक्टर आर बाउंड टू एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, है ना, जो कोफैक्टर एंजाइम से बाइंड करेगा और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब वो उसकी पावर को, कैटालिटिक पावर को बनाए रखता है, ठीक है। इन दीज इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, है ना, जो इसमें प्रोटीन का पार्ट होगा, तो प्रोटीन पोर्शन होगा एंजाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपोएंजाइम बोलेंगे। एपोएंजाइम क्या होगा, प्रोटीन का पार्ट होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर, तीन टाइप के कोफैक्टर हम लोगों को पता है, कौन कौन से तीन टाइप के फैक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप ये होता है जो टाइटली लिंक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो टाइटली लिंक हो जाता है, परमानेंट लिंक करता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया हमको, कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप के बाद क्या आया, कोएंजाइम आया, और क्या आया, मेटल आयन आया। मेटल आयन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, हमने केमिस्ट्री में भी देखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये मेटल आयन होता है जो कि कोऑर्डिनेशन बनाता है, बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब आगे क्या है इसमें, प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनको किसी से डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, इनको किसी से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो इसमें हमको बताया गया है, आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर, अदर कोफैक्टर से डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं, इनके एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं, टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, है ना, ये कोफैक्टर जो होते हैं टाइटली बाउंड हो जाते हैं एपोएंजाइम से। एपोएंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है ना, प्रोटीनेसियस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया, इन परऑक्सीडेज एंड कैटलेज, परऑक्सीडेज एंड कैटलेज में क्या होता है, विच कैटलेज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना, इसमें क्या बताया गया हमको, परऑक्सीडेज कैटलेज में कैटलेज क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 को
H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, कैटलाइज कर देता है। ठीक है, आगे क्या बताया है, हीम इज ए प्रोस्टेटिक ग्रुप, हीम जो है वो क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है, हीम क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है, याद रखेंगे हीम इज द प्रोस्टेटिक ग्रुप। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम के एक्टिव साइड का पार्ट होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, हीम जो है प्रोस्टेटिक ग्रुप है और ये क्या है, एक्टिव साइड का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, सेकंड क्या है, कोएंजाइम, कोएंजाइम के बारे में देखते हैं, कोएंजाइम आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोएंजाइम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कोएंजाइम भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, बट इनका जो एसोसिएशन होता है यानी इनका जो लगाव होता है यानी जुड़ाव होता है एपोएंजाइम से, वो कैसा होता है, ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव, यानी थोड़े समय के लिए, क्या होता है, शॉर्ट लिव होता है इनका जो वो होता है ट्रांजिएंट, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बहुत थोड़े समय के लिए ये एसोसिएशन शो करेंगे एपोएंजाइम से, एपोएंजाइम क्या था, प्रोटीन का पार्ट था। ठीक है, याद रखेंगे, यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, ये सिर्फ कब इनका एसोसिएशन होता है, से जब कैटालिसिस होगी है ना, जब रिएक्शन चालू होगी, कैटालिसिस होगी तभी इनका एसोसिएशन होता है, उसके अलावा ये एसोसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, है ना, जो कोएंजाइम होते हैं वो कोफैक्टर की तरीके काम करते हैं, इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, है ना, जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, कोएंजाइम कोफैक्टर की तरीके काम करते हैं, इन नंबर ऑफ द डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, और डिफरेंट एंजाइम रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आगे, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट, जो जरूरी केमिकल कंपोनेंट होते हैं ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन, है ना, जो काफ़ी एसेंशियल कंपोनेंट केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो कोएंजाइम क्या होते हैं, वो विटामिन होते हैं, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन, बहुत सारे कोएंजाइम की जो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। हमको एग्जांपल में यह बताया गया है कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडिनिन, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएडी बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड एनएडीपीएच कंटेन विटामिन नियासिन, इन दोनों में क्या होता है, विटामिन नियासिन होती है, किसमें किसमें, एनएडी में और एनएडीपी में, कौन सी विटामिन होती है, विटामिन नियासिन होती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी है। ठीक है, आगे क्या है, ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन, कुछ नंबर ऑफ एंजाइम में क्या होता है, मेटल आयन की जरूरत होती है, मेटल आयन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, वही हमको बताया गया है, द नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, है ना, कुछ एंजाइम में मेटल आयन की जरूरत होती है उनकी एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच समन्वय बना के रखना, है ना, दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप बना के रखना। ठीक है, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे विच साइड चेन एट द एक्टिव साइट, और उनकी साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय वो क्या करेंगे, मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे विद सबस्ट्रेट से, और उसकी एक्टिव साइड से तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, उसकी साइड चेन की एक्टिव साइड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे किससे, सबस्ट्रेट से, है ना, और उसके सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें एग्जांपल हमको दिया गया, एग्जांपल क्या है, जिंक इज कोफैक्टर, जो जिंक होता है ना, जेडन, जिसको हम जेडन से डिनोट करते हैं, वो कोफैक्टर किसके लिए होता है, जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटोलिटिक एंजाइम जो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, जिंक क्या होता है, कोफैक्टर होता है किसके लिए, प्रोटोलिटिक एंजाइम जो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके लिए कोफैक्टर होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आगे क्या बताया गया हमको, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम एंजाइम, है ना, अगर एंजाइम से जब हम एंजाइम से हम कैटालिटिक एक्टिविटी उसकी लॉस हो जाएगी जब हम कोफैक्टर को रिमूव कर दें, किससे, एंजाइम से, इसको रिमूव कर दें, कोफैक्टर को रिमूव कर दें, किससे कर दें, एंजाइम से, तो उसकी क्या होगी, कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, विच टेस्टिफाइड डेट दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, तो इससे क्या पता चलता है, टेस्टिफाइड का मतलब होता है पता चलना, इसको हम टेस्ट करते हैं यानी टेस्टिफाइड करते हैं यानी पता चलता है, क्या होता है, पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो इसका क्रूशियल रोल है ना, इसका कोफैक्टर का क्रूशियल रोल है एंजाइम की एक्टिविटी में, कैटालिटिक एक्टिविटी में, हमको ये पता चलता है कि जब हम इसमें कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे एंजाइम से तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही है।
ठीक है। तो फिलहाल ये अपना बायो मॉलिक्यूल पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो इफ़ यू लाइक माई सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।